नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्रज्ञा। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। नाबालिग से बलात्कार का मामला, भारतीय व्यक्ति को अमेरिका से जर्मनी प्रत्यर्पित किया गया। जर्मनी में एक नाबालिग से कथित रूप से बलात्कार करने आरोप में एक भारतीय व्यक्ति को अमेरिका से वापस कहां भेजा गया। अमेरिका आवर्जन एक सीमा शुल्क प्रवर्तन ICE विभाग ने एक बयान में कहा है कि तलवार नामक यह व्यक्ति आगुंतुक के रूप में वैध रूप में अमेरिका पहुंचा था। इसके बाद वह 6 अक्टूबर 2019 तक अमेरिका में रहने के लिए अधिकृत थे, लेकिन विदेश विभाग ने अब उसका वीजा रद्द कर दिया है। ICE ने कहा है कि इस भारत नागरिक को नाबालिग से बलात्कार करने को लेकर वंचित पाया गया। यह भी पता चला है कि वह शायद न्यूयॉर्क में रह रहा है। 12 जून को ICE के प्रवर्तन एक निष्कर्ष संचालन न्यूयॉर्क के वॉयलेट क्रिमिनल एलियंट सेक्शन जॉइंट क्रिमिनल एलियंट रिमूवल ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों ने अमेरिका मार्शल की मदद से न्यूयॉर्क में रिचर्ड हिल से उसे गिरफ्तार किया है। उसके बाद में अमेरिका मार्शल सेवा के हवाले किया। पिछले ही हफ्ते उसे जर्मन कानून प्रवर्तन एजेंसी को सौंप दिया गया है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।